हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4। ओके, इन प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 11.1 टू 11.3 तक हम कर चुके थे, जो कि मनी से रिलेटेड चल रही थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम 11.4 कर रहे हैं। उसमें आपको दिया है ऐड द फॉलोइंग। देखो बच्चों, आपको ऐड करना तो शुरू से आता ही था, तो अब जो हम एडिशन कर रहे हैं वो मनी के अंदर कर रहे हैं, तो ज़्यादा ऐसा कोई विशेष प्रोसेस नहीं है। कुछ बातों का जहाँ ध्यान रखना है हम उसको डिस्कस करेंगे, बाकी नॉर्मल एडिशन्स आपको आते ही हैं। यहाँ ओनली रुपीज़ दे रखा है, तो सिंपल जैसा आप एडिशन करते हैं वैसा ही आपको एडिशन करना है। नाउ देखिए, 9, 3, 9 और 2, इन तीनों को प्लस करना है। 3 और 9 कितना होता है? 12 में और 2 प्लस करो, 13, 14। 4 कैरी लगा, 1। 6 में 1 प्लस किया, 7। 7 में कितना प्लस करना है? 4, तो 8, 9, 10, 11। 11 में अगेन कितना प्लस करना है? 4, ठीक है, 4 यहाँ होता है। 12, 13, 14, 15। नाउ कैरी लगा, 1। 5 और 1, 6। 6 और 3, 9। 9 और 8, 17। कैरी लगा, 1। 1 और 1, 2। ओके, नाउ दैट इज योर आंसर इन रुपीस। क्लियर? आपको ये टर्म लिखनी ज़रूरी है। अगर रुपीस दे रखा है तो आपको रुपीस लिखना कंपलसरी है। नाउ अब हम पॉइंट का एडिशन देख लेते हैं। सबसे पहले 0 दे रखा है। 6 और 8 कितना होता है? 14। अभी कैरी को क्या होता है ना, यहाँ पॉइंट होता है तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 1 हम जैसा नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसा ही करना है, कैरी आगे चला जाएगा। हमें पॉइंट नज़र आ रहे हैं तो हम पॉइंट लगा देंगे ना, जो नॉर्मल एडिशन चलता है वैसे ही हमें करना है। 6 और 1, 7। 7 और 9, 16। कैरी लगा, 1। 3 और 1, 4। 4 और 4, 8। 5 और 2, 7। रुपीस, ओके, कितने रुपीस हो गए? 786.40 पैसे। पॉइंट के बाद वाली टर्म क्या होती है? पैसे। ओके, नाउ अब ये दोनों एडिशन आप सेल्फ कर सकते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है, वो भी है आपका फाइंड द सम। ओके, एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बाकी आप सेल्फ करेंगे। ओके, नाउ मैं डी वाला करवा देती हूँ। यहाँ कुछ पैसे दे रखे हैं और रुपए दे रखे हैं, जो नॉर्मल एडिशन है वैसे ही करना है। 9 और 1, 10। कैरी लगा, 1। 7 और 1, 8, 9, 10। कैरी आप हमेशा आगे वाली टर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लिख दीजिए, है ना, दैट इज़ रॉन्ग। 6 और 1, 7 और 4, 11 और 1, 12। कैरी लगा, 1। 2 और 1, 3। 3 और 3, 6। 6 और 3, 9। 1 और 1, 2। 2 और 2, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 492.00। पॉइंट आप लगा दीजिएगा ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएंगी, ये टर्म्स रुपीस की हैं और ये टर्म्स पैसे की हैं। ओके, सिंपल एडिशन है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम बहुत शुरू से वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सीखते आ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, अब यहाँ देखो, 7 और 90 पैसे, 46 और 85 पैसे। यहाँ जो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो हम लिखने के तरीके में हम मिस्टेक करते हैं। ओके, तो मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं बुक भी रख रही हूँ, इजी गोइंग आपको समझ में आ जाए। यहाँ रुपीज़ और पैसे दोनों दे रखे हैं, मैंने भी रुपीज़ और पैसे लिख दिए। सबसे पहले दिया है 7 रुपीज़ और ये कितना दिया है? 90 पैसे, एक कॉलम बीच में छोड़ दिया है मैंने, है ना।
अब देखो जो लिखने का डायरेक्शन होता है वो रुपीज का इस तरीके से होता है ना। ओके अब देखो यहाँ सेकंड में क्या दे रखा है आपको, 46 रुपीज। कितना दिया है? 46। तो 6 यहाँ लिखना है और फिर आपको लिखना है 4, तो ये हो गया आपका 46। फिर कितना दिया है? 85। ओके नाउ अब हम इसको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। नाउ 5, 9 और 8, 17, कैरी लगा 1, 7 और 1, 8, 8 और 6, 14, कैरी लगा 1, 4 और 1, 5। ओके तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹54.75। ओके गॉट इट। आई होप आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे, 3 ही क्वेश्चन थे, आप व्यवस्थित अरेंज कीजिएगा, पीछे आंसर की से ज़रूर मैच कीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।